के चार ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जायज मांगों को पूरा किया जाने संबंध भारतीय मजदूर संघ धरना प्रदर्शन कलेक्टर ऑफिस इंदौर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए सभी शासकीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1500 रुपए एरियर के साथ भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सामान्य कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सारिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करते हुए मानदेय का मान सेवा की जगह नियमित और सीधी भर्ती किए जाने की नियमावली बनाई जाए। जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय अतिरिक्त मानदेय में केंद्र से निर्धारित महंगाई भत्ते को लागू कर भुगतान किया जाए एवं कम से कम 18,000 से 9,000 रुपए कार्यकर्ता सहायिका को भुगतान किया जाए। अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जानकारी कविता शिंदे जिला सचिव आंगनबाड़ी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ एवं राजकुमारी गोयल जिला प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के द्वारा दी गई। अभी ये धरना प्रदर्शन 6 दिन और रहेगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे और भी इसे बढ़ाया जाएगा, ये जानकारी दी गई। वंदे भारत न्यूज से राजेश ढाकड़ की रिपोर्ट। हाँ, क्या क्या मांगे आपकी? हमको, हमारी मांग ये है कि एक तो हमको नियमित किया जाए और उसके बाद में हमको पीएफ बीमा स्टार्ट किया जाए और उसके बाद में हम लोगों की जैसे सभी तरफ ड्यूटियाँ लगाई जाती है तो वो ड्यूटी ना लगाई जाए, केवल हम विभाग का ही काम करें और उसके बावजूद हम लोगों को जैसे संपर्क एप में भी करना पड़ता, पोषण टेकर में भी करना पड़ता, तो सभी को मंच करके एक ही बनाया जाए। आपका परिचय? मैं जिला सचिव कविता शिंदे, BMS भारतीय मजदूर संघ शिंदे जिला सचिव। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमारी गोयल है, मैं इंदौर जिले का नेतृत्व कर रही हूँ, इंदौर से जिला अध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ है। थैंक यू मैम। आप क्या हड़ताल करने जा रहे हो, काय की हड़ताल हो रही है? देखिए, हम लोग सभी महिला बाल विकास की कार्यकर्ताएं हैं और ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन है, चरणबद्ध हमारा आंदोलन है। 10 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ हवन किया, उसके बाद में हमने 4 जनवरी को ज्ञापन दिया, उसके बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब जाकर आज हमने ये 6 दिन का बंद रखा है, तालाबंद हड़ताल। आज से हम लोगों की तालाबंद हड़ताल है, 23 तारीख से 28 तारीख तक सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और ना किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण आहार लिया जाएगा और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं जो महिला बाल विकास की कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित की जाती हैं वे सभी योजनाएं बंद रहेंगी। आपको क्या परेशानी आ रही है? अब परेशानी की बात मैं आपको क्या बताऊं, परेशानी ही परेशानी है। हम लोगों की जब नियुक्ति हुई थी तब हमें केवल 5 सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया था, है ना, लेकिन आज 50 सेवाओं से भी ज़्यादा हमसे लेते हैं, हर विभाग हमसे काम करवाता है और हमें जो मिलना चाहिए मानदेय वो भी समय पे भी नहीं मिलता। बढ़ाना तो दूर की बात है, जो मानदेय राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, वो भी आज हमारी 23 तारीख हो चुकी है और इंदौर की कार्यकर्ताओं के अकाउंट में अभी तक मानदेय की राशि नहीं आई। आपकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हमारी हड़ताल 28 तारीख तक जारी रहेगी और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है, वो चाहे तो हमारी मांग 2 दिन में सुन ले, वो चाहे तो 6 दिन में सुन ले, और अगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी 28 तारीख तक भी हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं देते तो यह आंदोलन एक वृहद रूप लेगा और प्रदेश में जाकर करेगा। अभी तो जिले में बैठे हैं हम लोग और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते तो हम लोग प्रदेश में जाकर भी इस आंदोलन को करेंगे। जी मैम बताइए। मैं रानी गौसर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महू ग्रामीण 2 से हूँ और हम लोगों की मांग ये है, शासन हमारे तो बहनों का बहुत शोषण हो रहा है, जिस विभाग में महिला एवं बाल विकास में, इस विभाग में महिलाओं का सारे देश में मोदी जी और मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि महिलाओं का ये सब सारी सुविधाएं दी जाती, उसी विभाग में हमारा इतना शोषण होता है बहनों का। 10,000 मानदेय पर हम काम करते हैं, उसके बाद भी एक ही काम को कितनी जगह करना पड़ता है, पोषण ट्रैकर ऐप में कर रहे हैं, संपर्क ऐप में कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी दूर करवा रहे हैं, अगर कुछ थोड़ी सी कुछ थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है तो अधिकारियों का दबाव अलग आता है कि आपने ये नहीं वो नहीं, सारी जिम्मेदारियाँ मानदेय काट लेते हैं सीधा, एक दिन भी नहीं, सेवा समाप्ति कर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें
हाँ, का मानदेय कटा जाता है और ऊपर से हर बार एसडीएम कलेक्टर की दोष अलग से सुनना पड़ती है। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है क्या? एक तरफ तो तुम बहनों की बातें करते हो और दूसरी तरफ तुम बहनों का ही शोषण करते हो। कहाँ गया मामा? सामने आए ना, बात करे, बहनों की सुने। अब मामा को समझ नहीं आ रही है क्या? 2006 से लगे हुए हो गया था हम लोग को, 2006 से लगे हैं और 2006 से आज 2023 चल रहा है। जब से हमारा 500 से लगे थे, आज हमारा 5000 है। सहायिकाओं का, कार्यकर्ताओं का 10000 है। समय पे पेमेंट नहीं आती है। पूरे विभाग का काम लेते हैं। बच्चों की फीस इतनी बड़ी है, कोई बीमार हो जाए तो कैसे क्या करे? श्रीमान से निवेदन ये है, उन लोग की भी 18000 कार्यकर्ताओं की होना चाहिए, सहायिकाओं की होना चाहिए 9 से 10000 और 5-5 लाख का बीमा होना चाहिए। उस पे गर्मी में 20 छुट्टियां होना चाहिए हम लोग की, और रिटायरमेंट पे 1 लाख तो होना ही चाहिए कार्यकर्ताओं का, 75000 सहायिकाओं का, और बेसिक हम लोग को 15 छुट्टी मिलना चाहिए। एक छुट्टी भी नहीं मिलती, कहीं जरा सा कुछ भी हो जाती है गड़बड़ी तो हम लोग का 3 दिन का मानदेय काट लेते हैं। जरा सा भी केंद्र पे नहीं मिलो, काम भी जरूरत से ज्यादा देते हैं, और ना मिलने पे हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी खुर्शीदा खान, आज हम सभी मध्य प्रदेश की सारी सहायिका कार्यकर्ता सहायिका भारतीय यूनियन के तरफ से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई दिनों से हमारे साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। 2018 में घोषणा हो चुकी, वो भी आज तक पूरी नहीं की गई। यहाँ पे सारे विभागों का कार्य हम लोगों को दिया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, और हमारा तो है ही हर कार्य के लिए, और डबल कार्य कराया जा रहा है। एक तो हम रजिस्टरों पर भी लिख रहे हैं और दूसरा मोबाइल पे भी कर रहे हैं। मतलब दो काम हमसे कराया जा रहा है, ना कोई छुट्टी है। सरकारी कर्मचारियों का डीए पीए सब बढ़ता जा रहा है, हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। आज से 2018 से हमारी बड़ी हुई राशि जो 1500 रुपये की घोषणा हुई, वो भी आज तक हमको दिया नहीं गया है। और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही, क्या सभी कर्मचारियों को महंगाई के लिए मिल रहा है? लेकिन हम लोगों के लिए कोई बढ़ाई नहीं है। हमारा तो उनका हर साल अभी 7वां वेतनमान लगने वाला है। हम कहाँ हैं? हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, आज 30 साल 35 साल हो गए एक एक कार्यकर्ताएं काम कर रही है, वही 500 से 5000 10000 पे आके आज गाड़ी रुकी हुई। पूरे कोरोना में हम लोगों की कितनी कार्यकर्ताओं ने जान दी, उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं गई। हमारी यही मांग है कि अब हमें सरकारी किया जाए और सारे सरकारी फायदे दिए जाए। अन्य डिपार्टमेंटों में इतने रिटायरमेंट है, इतनी खाली पोस्ट है, क्या हम लोगों को उसमें मर्ज नहीं किया जा सकता है? आज शिक्षा विभाग में इतने स्कूलों में टीचरें नहीं है, रिटायर हो चुकी, क्या हम लोगों को उसमें नहीं मर्ज किया जा सकता है? सरकार हमारे बारे में सोचना ही नहीं चाहती है। उनका कहना है बधुआ मजदूर मिल गए हैं, काम करते रहो, काम करते रहो। इधर से सारे डिपार्टमेंट हम पर, हमारे सुपरवाइजर कौन है, हमारे अधिकारी कौन है, हमें कुछ मालूम ही नहीं। बीएलओ से फोन आता है, सुपरवाइजर बोल रहा हूँ आज ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो कलेक्टर की तरफ से आपको नोटिस मिलेगा। इधर हमारे सुपरवाइजर शिक्षा विभाग से बोल रहे भैया आपको सर्वे देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कलेक्टर का आदेश है। मतलब कलेक्टर साहब हमको कौन कौन से डिपार्टमेंट में रखना चाहते हैं, ये तो बताए कि हमारा विभाग कौन सा है, हमारा विभाग कौन सा है? स्वास्थ्य विभाग में है हम, शिक्षा विभाग में है, निर्चावन में है, या निर्वाचन में, या हमारा महिला बाल, जो महिला बाल विकास का मेन उद्देश्य था वो सब खत्म। सरकार चाहती है जहां उनकी जरूरत है हम लोगों को लगा दिया जाए। क्या हमारा यही काम है? हमारा एक स्थित जगह कहाँ है, हमारी कौन सी पोस्ट है? आज हम बोल नहीं सकते कि हम किस पोस्ट में काम कर रहे हैं। नगर निगम भी चाहती है, जब देखो हमारे ऊपर आ जाती है, ये करवा दो मैडम, वो करवा दो। मतलब हमारा कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। जहाँ जरूरत है सरकार को, वहाँ लगा देगी। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ भीड़ लेके चलो। वहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको वहाँ लेके जाना है। आज ये लाडली को लेके आओ। अरे भैया बस्ती वालों को भी तो समझाना हमारा काम है। उन लोगों को कब तक हम समझाते रहे, कब तक आश्वासन दे? आपका कार्य, हम सारे कार्य करने को तैयार है, हमें शासकीय किया जाए, एक हमारा नारा है, एक ही नारा शासकीय हमारा, एक ही नारा शासकीय हमारा, एक ही नारा शासकीय हमारा। आपका परिचय? मैं मीनाती मित्रा, इंदौर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।